हेलो एंड वेलकम बैक टू बेबीज़ कैलरी। आज बेबीज़ कैलरी पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं विंटर स्पेशल ग्रीन राइस की रेसिपी। तो ग्रीन राइस जो है वो बनती है पालक यानी कि स्पिनच से। तो हम देख लेते हैं कि स्पिनच की बेनिफिट्स क्या क्या होती है। एक तो ये रिच इन आयरन होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होती है। बच्चों के लिए और हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है, बोन डेवलपमेंट में मदद करती है, मसल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में मदद करती है और इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आइए हम देख लेते हैं हम ग्रीन राइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पालक को अच्छे से धो के बॉयल करके इसका एक पेस्ट बना लिया है मिक्सी में, और हमने यहाँ पे चावल को भिगो के रखा है फॉर 30 मिनट्स। इसके बाद हम एक प्रेशर कुकर पे घी डालेंगे 1 टेबलस्पून। उसके अंदर हम डाल देंगे साबुत गरम मसाले यानी कि दालचीनी और इलायची, जो ग्रीन इलायची होती है वो। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए गार्लिक एंड जिंजर्स। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, और उस पर हम डाल देंगे चॉप्ड किए हुए ऑनियंस, और एक बार फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हम फ्राई कर लेंगे। इसकी एक बहुत ही अच्छी अरोमा आती है जो कि घी में तड़का लगाने की वजह से होती है, तो आप इसमें घी का ही इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद इस पर टमाटर ऐड कीजिए और अच्छे से इसको फिर भून लेना है। जब सारी इंग्रेडिएंट्स जो है वो सॉफ्ट होने लग जाएगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अच्छे से हम एक बार फिर इसको भून लेंगे। मसाला हमें उतना ही डालना है जितना हमारे बेबी को हम देते हैं या जितना वो खा सकता है। इसके बाद जो हमने प्योरी बना के रखा था पालक की, उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा उबाल आने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हम इस पे डालेंगे सोक किए हुए चावल। देखिए ऐसे पालक जो है बिल्कुल भून गया है, सूख गया है बिल्कुल। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से इसको चलाने के बाद सूख गया है, लेकिन हमें खास ध्यान रखना है कि नीचे से लग ना जाए, तो बीच बीच में करछी जो है वो चलाते रहना है। और चावल डालते ही अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो पालक की प्यूरी है और चावल बिल्कुल एक साथ मिल जाए। देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है ताकि हमारी ग्रीन राइस जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए और पालक की जो फ्लेवर एंड टेस्ट है वो अच्छे से चावल के साथ मिक्स हो। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। जितना हमने चावल लिया है उससे डबल हमने पानी डाला है। आप चाहे तो इसमें शुगर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेबी 1 साल से कम उम्र का है तो आप उसके खाने में शुगर एंड सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। अब इसको हम हाई फ्लेम में 2 से 3 विसल लगा लेंगे। देखिए हमने 2 से 3 विसल लगा दिया है और ठंडा होने के बाद कुकर को हमने खोल दिया है। देखिए चावल जो है बिल्कुल बनके तैयार है। आई होप ये रेसिपी जो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आपके बेबीज को भी बहुत अच्छी लगेगी। ये एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और नए नए रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।